यवतमाल जिले के दिगरे शहर का एसटी बस स्टैंड जेब कतरों और चोर उचक्कों के लिए पैसे उगाही का अड्डा बन गया है। रविवार की दोपहर को मेहमानों को रवाना करने बस स्टैंड पर पहुंचे एक युवक की जेब से जेब कतरों ने 4,000 रुपए उड़ा लिए हैं। दिगरस तहसील के टूपटाकली गांव निवासी 22 वर्षीय युवक भूषण सोरते रविवार को अपनी मौसेरी बहन को रवाना करने एसटी बस स्टैंड पर पहुंचकर बस की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर 1:30 से 2 बजे के दरमियान अमरावती की ओर जाने वाली एसटी बस के आते ही भूषण बस में जगह निश्चित करने में व्यस्त था। इस वक्त इस बस में चढ़ने और बस से उतरने वालों की काफी भीड़ थी। इसी का फायदा उठाते हुए भीड़ में सक्रिय जेब कतरे ने भूषण की जेब से उसका बटुआ उड़ा लिया, जिसमें करीब 4,000 रुपए रखे थे। यात्रियों की भीड़ में बहन के लिए जगह निश्चित करने में व्यस्त भूषण को उसकी जेब से पॉकेट चोरी होने की खबर का अंदाजा तब हुआ जब उसने अपनी बहन को टिकट के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, जिसके बाद भूषण के पैरों तले की जमीन खिसक सी गई। भूषण ने तत्काल दिगरस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक संजय सोलंके को फोन पर इस पूरे घटना की जानकारी दी। भूषण सोरते की शिकायत सुनते ही थानेदार संजय सोलंके ने डीबी दस्ते को दिगरस बस स्टैंड रवाना किया। डीबी दस्ते के सचिन राउत ने एसटी बस स्टैंड पर पहुंचकर डिपो के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके बाद इस दौरान एक जेब कतरा उस फुटेज में नजर आया। दिगरस पुलिस ने अपनी तत्परता से सीसीटीवी फुटेज से जेब कतरे का हुलिया और उसकी शिनाख्त तो कर ली है, लेकिन अब उसे दबोच कर उससे 4,000 रुपए वसूलने में दिगरस पुलिस को कामयाबी मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मालूम हो कि दिगरस शहर में आगामी दिनों में ईद मिलाद और गणेश विसर्जन का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद और भाविकों की भारी भीड़ रहेगी। ऐसे में चोरी चकारी और पाकिटमारी की घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों की भीड़ जेब कतरों के लिए सुनहरे अवसर की तरह होती है। इसलिए जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जेब कतरे उतने ही ज्यादा सक्रिय होंगे। इस बात के मद्देनजर दिगरस पुलिस को चाहिए कि वे अपनी तैनाती बढ़ाकर जेब कतरों पर नजर बनाए रखें, ताकि धार्मिक त्योहारों में शामिल होने वाले लोगों की खुशियों पर जेब कतरों के अधर्मी हरकतों का मनहूस साया न पड़ सके। एनबीसी न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।